कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई रोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अनुज, अनुज बेटा। हेलो। सुबह बेटा। जी पापा जी। अरे ठहरो, आता हूँ भाई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई 12/24 करोल बाग में घुसने की? अंकल, आपका मुंह मीठा कराने आए थे, गिले शिकवे दूर करने, रिश्ते बनाने, अंदर नहीं बुलाएंगे? आपका सर कुचला जाता है, उससे मिठाई नहीं खाई जाती। अब कैसी दुश्मनी अंकल जी, तो जानते ही होंगे कि मिली ने हमारे खिलाफ किया हुआ FIR वापस लेने की अर्जी दी है। जो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए केस लड़ने वाला था, उसी को ऑथराइजेशन लेटर देके हमारे खिलाफ किया हुआ केस वापस लिया है। तो तुम्हें कैसे पता है? अंकल जी, हमने उसके पीछे कुछ लोग लगाए थे जो 24 घंटे उस पर नजर रखते थे। आज सुबह उसने जाकर वो लेटर दिया तो हमें पता तो चल ही जाएगा ना। कमीने, बता बता मेरी मिली कहाँ है? आराम से अंकल जी, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। हमने तो मिली को कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम, बताओ कहाँ है मेरी बेटी, क्या किया है तुमने उसके साथ? अंकल जी, हमने आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया। हमारे आदमी उस पर नजर रखे हुए जरूर थे, लेकिन उनको भी उसने चकमा दे दिया। उसका स्कूटर मिला हमें प्रगति मैदान के आसपास, हम नहीं जानते वो कहाँ है। नकुल सिंह डागर, अगर मिले को कुछ हुआ तो। अंकल जी, आप यूं ही हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप पर हमने तो इल्जाम नहीं लगाया ना, जब हमने अपना भाई खोया। देखिए, हम नहीं जानते आपकी बेटी कहाँ है, हमने कुछ नहीं किया है। अब मिली अगर घर पर नहीं है तो। मैंने मिली को नहीं खोया और ना ही खोऊंगा। अगर मेरी मिली को कुछ हुआ तो ये जान लेके तू अपने आप को खो बैठेगा। अंकल जी, आप बड़े हैं। नकुल, मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम यहां पे क्यों आए। नहीं तो यहाँ पर आने की तुम्हारी जरूरत नहीं थी। मिली कहाँ है? अरे हम नहीं जानते मिली कहाँ है। हम कितनी बार समझाएं आपको, कहीं गई है तो आपको बताकर गई होगी। ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम जाओ यहाँ से। सिमी जी, हमारा प्राइवेट मैटर अभी बाकी है। आपके पति अभिनव तरनेजा ने माफी नहीं मांगी हमसे अब तक। देखिए, हम बेचैनी में अगर कुछ कर दें तो फिर।
करना चाहूँ तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, और मुझे तुम्हारी तरह आदमियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर अभी उर्मिली को कुछ भी हुआ ना तो एक औरत जब कुछ ठान लेती है ना तो भगवान भी उसे रोक नहीं सकता। खबरदार कमीने, अगर तुमने फिर कभी इस तरह पांव रखा तो चली पापा जी। दो तीन वो केस भी निपटाने हैं, और याद दिला देना मुझे ताकि मैं। आई एम सो सॉरी, मैं जरा लेट हो गया। एक्चुअली कल रात से मैं काफी केसेस की स्टडी कर रहा हूँ। ऐसे कई केसेस हैं जिसका हम उदाहरण दे सकते हैं, और मिली का ओ बन निश्चित है। आप जरा नहीं, काफी लेट हो गए। मतलब ये कि मिस मिली ने आज सवेरे सवेरे हमें अर्जी दी है और हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम उनकी ओर से FIR वापस लें। अथॉरिटी लेटर भी छोड़ गई है। मैं मिली सेठी अपने पूरे होशो आवास में नकुल सिंह डागर के खिलाफ दर्ज करवाई हुई शिकायत वापस लेती हूँ। मिली सेठी, हमें FIR वापस लेना होगा। नकुल सिंह डागर के खिलाफ केस खत्म। मेरे अच्छे पापा जी, आपकी मिली ने वही किया जो सही था। मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन अपनी लड़ाई की खातिर मैं अपने परिवार की और बेइज्जती नहीं होने दे सकती थी। इसलिए मैं नकुल सिंह डागर के खिलाफ अपना FIR वापस ले रही हूँ। करोड़बाग से दूर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ रहकर मैं कभी अपने पर लगे दाग को नहीं धो पाऊंगी, और दुनिया वाले मुझे आपको भी वो दाग बार बार उंगली उठाकर दिखाते रहेंगे। सुबह मेरे मिली कुछ कर सो नहीं बैठे, कुछ नहीं होगा बाबा जी, वो बहुत जिम्मेदार है, ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप फिक्र मत करो। आप चलिए। हमें चलना, देख के नहीं जा सकते क्या? क्यों मिली, क्यों ऐसा क्यों किया? कौन है जी? अभी सिमी अंकल जी, मिली ने तो बेटा जब पुलिस में रिपोर्ट करा लापता की। पर अंकल जी, उसके लिए 24 घंटे गुजरना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। पापा जी, आप अनुज को फोन करके बोलो कि मिली के जितने भी दोस्त हैं सबको फोन लगाएं। चलो अभी। दीदी, हमें नया घर मिल गया, मंचकुया मार्ग पे, एक मंजिला बंगला है, और पूरा ऊपर वाला फ्लोर उन्होंने देने का वादा किया है। तुम्हें पता है अभी वहाँ पर ना अलग से एंट्रेंस दिया हमें, और नीचे सिर्फ एक ही अंकल आंटी रहते हैं, हमारे जान पहचान के ही हैं। पापा जी, वो पुराने रिफ्यूजी मिली घर छोड़ के चली गई। उसकी लेटर
मिली अभी वापस आ जाएगी, वो कहीं नहीं जा सकती। वो कहीं नहीं मिल रही, उसने अपना स्कूटर प्रगति मैदान पर छोड़ा, उसके बाद वो मिली नहीं रही, कहाँ भी होगी। अब घबराइए मत ना दी, मिली वापस आ जाएगी, वो मेरी तरह झली थोड़े ना। समीधी आप हमें बताइए क्या करना है, हम हमारे पास गाड़ी है, अभी चलते हैं उनको ढूंढने के लिए। नहीं नहीं, तुम दोनों घर पर रहो, शायद पीछे से फोन आ जाए, अभी और मैं मिली को बाहर ढूंढने जा रहे हैं, चलो अभी चलो। मुझे बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकती है, एक बार तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी। चलो कहीं और देखते हैं, चलो की बोल रहा। बोलो। नकुल, मैंने नकुल सर अपने तुमने जैसे कहा मैंने आज तक वैसा ही किया, अपना प्यार कुर्बान किया, ओमी जी को धोखा दिया। अरे वो तो सही वक्त पर ओमी जी को सही रोशनी मिल गई, वरना तेरे कहने के बावजूद भी उस दिन ओमी जी का तलाक हो जाता। नकुल, अब ना तो मुझे तेरे से कोई डर है, ना मुझे तेरे ऊपर विश्वास। बकवास बंद करो और हमसे पुराने वाले मकान पर आकर मिलो। अब मैं तुझे नहीं मिलूंगा नकुल सिंह डागर। सुन, तेरी एक एक बात, तेरी सारी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा मैंने एक टेप में रिकॉर्ड कर लिया है, और अब मैं तुझ पर नजर रखूंगा, गलती से भी नीतू पर या ओमी जी कोई आंच आई तो माँ कसम इस टेप की जहां जहां जरूरत है ना वहां वहां भिजवा दूंगा। तेरी आंखों के सामने तेरे कारोबार और तेरी इज्जत की जो धज्जियां उड़ेगी ना वो तू सोच भी नहीं सकता। कोई पॉलिटिकल पार्टी तुझे गंदे हाथों से भी नहीं छुएगी, समझा नकुल सिंह डागर। परेशान क्यों हो रहे हैं? मिली वापस आ जाएगी, आप लोग जाइए मुंह धोइए, मैं खाना परोस देती हूँ। पापा जी आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। तुझे खाने की पड़ी है, मिली नहीं मिल रही।
कहती थी मैं विदेश जाकर आगे पढ़ना चाहती, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी पापा जी, कुछ बनकर दिखाऊंगी। मैंने मैं शादी करके नहीं बैठ सकता। उठिए, आप ठीक तो है ना? देखिए, हमें एक 20-22 वर्षीय लड़की की बॉडी मिली है। बॉडी के साथ एक पर्स था जिसमें मिली सेठी नाम का एक आई कार्ड। क्या आपके यहाँ से आकर कोई बॉडी की शिनाख्त कर सकता है? नहीं।